आप देख रहे हैं देशस टीवी। बिरौल में समाज के हर वर्गों में स्वच्छता का अलख जगाने के लिए लोगों को सरकार की ओर से जागरूक किया गया। लोगों को खुले में शौच पर अंकुश लगाने के लिए लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत हर पंचायतों में शौचालय का निर्माण हुआ, लेकिन यह अभियान धरातल पर कितना सफल साबित हुआ है वह तो कोई क्षेत्र का भ्रमण कर हकीकत को जान सकता है। इस अभियान के नाम पर कई एनजीओ, पंचायत के ब्रोकर और सरकारी कर्मी कमीशन से मालामाल हो गए, लेकिन स्वच्छता अभियान वही का वही धरा पड़ा है। आज भी सैकड़ों लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। इस अभियान को देखने वाले पदस्थापित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को इसका तनिक भी अफसोस नहीं है कि आखिर सरकार की ओर से चलाए गए करोड़ों के अभियान का यह फ्लॉप शो क्यों है। बिरौल के लोग कहते हैं लोहिया स्वच्छता अभियान हो या फिर गली नाली हर घर नल जल योजना को लूट योजना के नाम से संबोधित करना ही उचित होगा। लोग आक्रोशित स्वर में कहते हैं इन सभी योजनाओं का लाभ आम लोगों को नहीं मिला, लेकिन इससे जुड़े अधिकारी, संवेदक, पेटी कॉन्ट्रैक्टर निश्चित मालामाल हो गए, यह जग जाहिर है। लोगों को यह भी कहना है कि इन सभी योजनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और गड़बड़ी करने वाले लोगों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो सरकार की बदनामी सरकार ही जाने। देशस टीवी के लिए बिरौल से उत्तम सेन गुप्ता की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।